आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। ऐसा लगने लगा है कि देश में जितने भी नियम कानून हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बने हुए हैं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान एक छोटी सी टिप्पणी कर दे तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, या वो सरकार की मुखालफत कर दे, या उसके बयान की वजह से कहीं कोई हरकत कर दी जाए, कोई घटना को अंजाम दे दिया जाए तो तुरंत पुलिस प्रशासन उसके ऊपर यूएपीए की धाराएं लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और जब इससे भी बस नहीं चलता तो उनके घरों पर अब तो बुलडोजर चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पर ये तमाम कानून जो हैं वो मुसलमानों के लिए हैं, ये एक अदालत के फैसले ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात आएगी तो उनके लिए अलग कानून जो है बीते 7-8 सालों में बना दिए गए हैं। जहां स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता संगीत सोम की, जो अक्सर भड़काऊ बयान देने के लिए इनका चेहरा चर्चित है, और इनके बयान की वजह से एक 52 वर्षीय बुजुर्ग अखलाक की बेरहमी से पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। क्योंकि इनके बयानों का असर यह होता है कि लोग अखलाक के घर में घुस करके अखलाक को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। जब किसी के बयान की वजह से किसी की हत्या कर दी जाए तो कितना बड़ा जुर्म है और क्या सजा उसे दी जानी चाहिए, इसके भी मायने बखूबी समझे जा सकते हैं। पर यहां मात्र 800 रुपए में अखलाक की जान का सौदा जो है वो कर दिया गया एक अदालत द्वारा, जो कि कठोर कार्रवाई की गई, दोषी करार दिए गए, तमाम धाराओं के तहत मुजरिम माना गया, पर 800 रुपए का ही जुर्माना अदालत ने संगीत सोम के ऊपर लगाया है, जो कि अदालत के इस फैसले पर बार बार सवाल खड़े करता है। किस तरीके से तमाम चीजें और लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। संगीत सोम को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में दोषी करार दिया है और उन्हें धारा 188 लोक सेवक द्वारा विविधित घोषित आदेश की अवज्ञा के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उन पर 800 रुपए का जुर्माना लगाया है और इस मामले में निपटारा भी कर दिया है। पूर्व विधायक संगीत सोम ने सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद चर्चाओं में आए थे। साल 2015 में दादरी के बिसहाड़ा गांव के गौमांस की अफवाह पर 52 साल के अखलाक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बीजेपी के तत्कालीन विधायक संगीत सोम इसके बाद बिसहाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने वहां तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था, इस हत्या की जांच एक तरफा हो रही है। बीजेपी नेता सोम ने कहा था कि अखलाक का परिवार यहां नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें विमान में बिठाकर ले गई। पहले वे मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों के जहाज में बिठाकर ले गए थे, वैसे ही उन्होंने अब गाय काटने वालों के साथ किया है। इस दौरे के दौरान इलाके में निषेधाज्ञा लगी होने के बावजूद सोम ने गांव के मंदिर के बाहर एक जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पूरे देश की जनता के साथ है, ना कि किसी एक समुदाय विशेष के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ही है जो राजनीति कर रही है, पूरी जांच एक तरफा हो रही है। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर दंगों की आग में भी घी डालने का आरोप लगा था। सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण और एक फर्जी वीडियो अपलोड करके 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में आग में घी डालने का काम किया था। इस दंगे में करीब 60 लोग मारे गए थे और कई हजार हिंसा की वजह से बेघर हो गए थे,
दिल्ली से सटे यूपी में दादरी के पिसाड़ा गांव में भीड़ ने एक वायुसेना कर्मी के 50 वर्षीय पिता की पीट पीट कर इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि ये अफवाह उड़ी थी कि उसने और उसके परिवार ने गौमांस खाया है और घर में रखा था। इस अफवाह के बाद गांव वाले मोहम्मद अखलाक और उसके बेटे को घर से बाहर घसीट कर लाए थे और उन्हें ईंटों से जमकर पीटा। इस घटना में अखलाक की मौत हो गई थी, वहीं उसका 22 साल का बेटा दानिश बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी 2 मस्तिष्क सर्जरी की गई थी। इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट आभा शुक्ला कहती हैं कि सितंबर 2015 की रात को हत्या का आरोप लगाकर बुजुर्ग अखलाक की भीड़ ने हत्या कर दी थी। उनके बेटे दानिश को भी अधमरा कर दिया था और इससे पहले वहां भाजपा के संगीत सोम ने भड़काऊ भाषण दिया था, वो भी धारा 144 का उल्लंघन करके। अतः कोर्ट ने संगीत सोम को दोषी माना और 800 रुपए के जुर्माने की कठोर और दिल दहला देने वाली सजा सुनाई। अरे भाई, वो संगीत सोम है, शकील होते तो लगता ना उनके ऊपर यूएपीए एनएसए तब बुलडोजर चलता, ना इनके घर पर तब होती कुर्की की कार्रवाई, तब जब्त किया जाता इनका पासपोर्ट, तब भाषण देकर हिंसा भड़काने में होती इनको 10 साल की सजा पर मजबूरी है। एक तो हिंदू है, ऊपर से भाजपाई है, ऐसा हास्यपद न्याय मिलने से तो अच्छा है कि न्याय मिले ही ना, केस पेंडिंग रहने दिया जाए, कम से कम न्यायपालिका का सम्मान तो कायम रहेगा ना हमारे मन में। इस पर मोहम्मद शादाब नाम के यूजर्स कहते हैं कि आखिर पुलिस क्यों इंसानियत को शर्मसार कर रही है। मुझे यह समझ नहीं आता है कि पुलिस ने कानून की वर्दी पहनी है या फिर सरकार की गुलामी का चोला। एक टीपू सुल्तान नाम के यूजर्स ने लिखा कि आपको पता नहीं, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा था कि काफिर कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं और तुम सब पुलिस को भरोसा करके बैठे हो। तो वहीं टीपू नाम के यूजर्स को जवाब देते हुए किश्वर ने लिखा, ये बात करते हैं आप, इसलिए काफिर कहां आ गया, कौन काफिर, नबी को क्यों हर बात में खींचते हो, कहां लिखा है, आधी अधूरी जानकारी जुटाकर ज्यादा ज्ञान ना दिया करें। जिसको काफिर बोल रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जितने मुस्लिम दुखी हैं उतने ही हिंदू सिख ईसाई भी। इसलिए भाई प्लीज एक ऐसे पोस्ट ना लिखें। एक ने लिखा कि बीजेपी का नेता ना होकर कांग्रेस या किसी और दल का होता तो उसके घर गिरा दिया जाता, और गुलाम वाला होता तो कोई उस पर यूएपीए लगा दिया जाता। ये हमारे देश का अंधा कानून है जिसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने खुल करके सामने आ रही हैं। जहां दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम हो तो अलग कानून, और अगर भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो तो उसके लिए अलग कानून। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।